स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी चैनल। आइए देखते हैं 23 अक्टूबर 2017 के करंट अफेयर्स। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने बुल्गारिया में बाल्कन ओपन युवा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 8 पदक जीते। क्रिस्टियानो रोनाल्डो लगातार दूसरे वर्ष फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने। केंद्र ने दिनेश्वर शर्मा को कश्मीर मुद्दे पर बातचीत शुरू करने के लिए नियुक्त किया। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2017 पेश किया। ट्राई ने 2022-23 तक दूरसंचार नेटवर्क से कार्बन उत्सर्जन में 40% की कमी लाने का सुझाव दिया। चलिए अब एक एक करके इन खबरों को विस्तार से बताते हैं। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने बुल्गारिया में बाल्कन ओपन युवा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 8 पदक जीते। भारतीय महिला मुक्केबाज बुल्गारिया में तीसरी बाल्कन ओपन युवा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य सहित 8 पदक जीतकर स्वदेश लौट आई है। भारतीय टीम चैंपियनशिप की सर्वश्रेष्ठ टीम भी घोषित की गई। नीतू साक्षी शशि और नेहा ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि अंकुशिता बोरो ने रजत पदक जीता। जॉय कुमारी, सपना और अनुपमा ने कांस्य पदक हासिल किए। आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो लगातार दूसरे वर्ष फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने। फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड के पुर्तगाली स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो साल 2017 के फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बन गए हैं। रोनाल्डो को पांचवी बार इस खिताब से नवाजा गया है। इस खिताब को पाने की होड़ में रोनाल्डो की टक्कर बार्सिलोना की ओर से खेलने वाले अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और पेरिस सेंट जर्मन के ब्राजीली खिलाड़ी नेमार के साथ थी। इस रेस में पिछड़ने वाले लियोनेल मेसी भी 5 बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र ने दिनेश्वर शर्मा को कश्मीर मुद्दे पर बातचीत शुरू करने के लिए नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक समाधान की दिशा में बड़ी पहल की है। खुफिया विभाग के पूर्व प्रमुख दिनेश्वर शर्मा को वार्ताकार नियुक्त किया गया है। शर्मा भारतीय पुलिस सेवा के 1979 बैच के अवकाश प्राप्त अधिकारी हैं। शर्मा ने दिसंबर 2014 से 2016 के बीच गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। इसी के साथ आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2017 पेश किया। राजस्थान सरकार ने 23 अक्टूबर 2017 को विधानसभा में आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2017 पेश किया। ये बिल जजों, मजिस्ट्रेटों और अन्य सरकारी अधिकारियों, सेवकों को सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला है। ये बिल हाल ही में लाए गए अध्यादेश का स्थान लेगी। प्रस्तावित बिल के मुताबिक ड्यूटी के दौरान राज्य के किसी भी कार्यरत जज, मजिस्ट्रेट या सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई भी शिकायत सरकार की इजाज़त के बगैर दर्ज नहीं की जा सकेगी। अध्यादेश का स्थान लेने जा रहे नए कानून के मुताबिक मीडिया भी 6 महीने तक किसी भी आरोपी के खिलाफ ना तो कुछ दिखाएगी और ना ही छापेगी। आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ट्राई ने 2022-2023 तक दूरसंचार नेटवर्क से कार्बन उत्सर्जन में 40% की कमी लाने का सुझाव दिया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए 2022-23 तक दूरसंचार नेटवर्क से कार्बन उत्सर्जन में 40% तक कटौती का सुझाव दिया है। इसके अलावा नियामक ने सुझाव दिया है कि सरकार को अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत दिए गए लाभ दूरसंचार ऑपरेटरों को भी उपलब्ध कराने चाहिए। ट्राई ने 2012-13 तक कार्बन उत्सर्जन में 5%, 2014-15 में 8%, 2016-17 में 12% और 2018-19 में 17% कटौती का लक्ष्य दिया है। तो ये थे 23 अक्टूबर 2017 के करंट अफेयर्स। ऐसे ही करंट अफेयर्स रोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।